औपचारिक बयान वो खुद अपने से जारी करेंगे, रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से वो खुद और अपनी तरफ से वो खुद 22 के बाद सबसे मिलने के बाद ही वो खुद से जारी करेंगे। और हम लोगों को ये सूचित किया गया है कि रेसलिंग फेडरेशन के द्वारा खेल मंत्रालय को जो औपचारिक जवाब जाना था वो हम लोगों ने उनको प्रेषित कर दिया है, और 72 घंटे का जो मौका मिला था हम लोगों ने समय से किया है। और जो औपचारिक बयान जो हम अपनी तरफ से जो जारी करते, जो माननीय सांसद जी ब्रिजभूषण सिंह जी जो अपनी बातें करते, वो 22 में AGM में सबसे सलाह करने के बाद ही करेंगे। वो इसी स्थान पर होगी, अयोध्या यहाँ पर होगी, अयोध्या में ही होगी, और आप सब लोग को सूचित कर दिया जाएगा। 22 तारीख को एनुअल जनरल मीट रेसलिंग फेडरेशन के होने के बाद ही आप सबको सूचित किया जाएगा। अधिक जानकारी हम अपने पोर्टल से आपको जारी करेंगे। यहाँ पर नंदीनगर में ओपन नेशनल सीनियर रैंकिंग रेसलिंग टूर्नामेंट 2023 चल रहा है। मैं अपने सभी बंधुओं का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि वो इसको देखें। अभी आगामी 3 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा, और जिसके हेतु AGM की बैठक रखी गई है, सभी मेंबरान आएंगे और इस पर चर्चा होगी। नहीं देखिए, जो सवाल पूछने हैं आप उनसे सांसद जी से पूछिएगा। अभी हम ये बता सकते हैं कि 3 दिवस का यह कार्यक्रम रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से ये रेसलिंग का रखा गया है, और ये बहुत पहले से पूर्व निर्धारित है, इसको चलने दीजिए। ये 3 दिन तक चल रहा है। जो सवाल पूछना है AGM के बाद हम लिखित में आपके सामने आएंगे, सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और सारे सवालों का उचित जवाब उचित पोर्टल पर दिया जाएगा। हम औपचारिक रूप से कुछ कहने के लिए अधिकृत नहीं है, हम औपचारिक रूप से इसमें जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं है। नहीं, ये सब चीज का जवाब आपको 22 को दिया जाएगा। ये डीले है कि क्या है, ये सब 22 को हम बताएंगे। हम अभी औपचारिक रूप से आपको कुछ बता नहीं सकते। अब 22 को AGM के बाद हम आपको सूचित करेंगे। आप सबका धन्यवाद। हर चीज का जवाब वो 22 तारीख को देंगे। सबका धन्यवाद। जय बजरंगबली।